के बाद खटवा की करते हैं, जहां कवि कैलाश लोढ़ा ने साहित्यकार आलोक सेठी की पुस्तक संडे का फंडा विमोचन किया और इस अवसर पर उन्होंने इंदौर इच्छापुर रोड की दशा पर तंज कसा और ये कहा कि इस रोड पर पथरी वाले मरीज को पथरी निकल सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में हाथ जोड़कर जनप्रतिनिधियों से खंडवा इंदौर रोड बनाने की बात कही। नहीं आता तो यकीन मानिए भोपाल से लेके यहाँ तक की यात्रा में मां नर्मदा के दर्शन कैसे करता, उस खूबसूरत यात्रा के दर्शन कैसे करता। मुझे तो सिर्फ इतना आप लोगों से अनुरोध है, आप नेता सब लोग यहाँ बैठे हैं, मैं बार बार आ जाऊंगा, बस इंदौर से यहाँ तक की सड़क ठीक करा दो। आदमी के पेट में पथरी हो जाए तो डॉक्टर उसे गोली नहीं लिखता, अगली खबर। मध्य प्रदेश में फर्जी नर्सिंग कॉलेजेस का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब फर्जी कृषि विश्वविद्यालय और कॉलेजों का मामला सामने आ गया है। जबलपुर में फर्जी कृषि विश्वविद्यालयों के खिलाफ छात्रों ने मोर्चा खोल दिया। प्रदेश में कैसे नियमों को ताक पर रखकर फर्जी डिग्रियां बांटी जा रही हैं, ये रिपोर्ट देखिए। ये गुस्सा, ये नारेबाजी मध्य प्रदेश में संचालित हो रहे प्राइवेट कृषि विश्वविद्यालय और कॉलेजों के खिलाफ है। जबलपुर में युवा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रदेश में संचालित हो रहे प्राइवेट कृषि विश्वविद्यालय और कॉलेजों के खिलाफ मोर्चा खोला है। छात्रों ने फर्जी कृषि यूनिवर्सिटी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर नारेबाजी की। छात्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश में करीब 34 फर्जी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं। ये सभी विश्वविद्यालय नियमों के खिलाफ चलाए जा रहे हैं। ये सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय छात्रों को फर्जी डिग्रियां दे रहे हैं। कृषि शिक्षा के नाम पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। छात्रों ने कृषि डिग्री के फर्जीवाड़े को बंद कराने की मांग की है। और 34 विश्वविद्यालय और महाविद्यालय जो है वो अलग अलग कृषि की डिग्रियां जो है बांट रहे हैं। उन्होंने ना कभी, हमने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय और राजमाता दोनों जगह ये पूछा कि क्या इन्होंने आपके नियमों के अंतर्गत ये विश्वविद्यालय चल रहे हैं या फिर ये डिग्रियां कृषि की डिग्रियां दे रहे हैं। इनका स्पष्ट कहना है कि इन्होंने ना हमसे एफिलिएशन लिया है ना हमारे से पूछा गया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में एक जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय तो दूसरा राजमाता विजया राधे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में संचालित हो रहा है और कृषि शिक्षा पर सिर्फ इन दोनों यूनिवर्सिटी का अधिकार है। इनकी अनुमति के बिना कोई भी विश्वविद्यालय कृषि की डिग्री नहीं दे सकता, लेकिन उसके बाद भी फर्जी डिग्रियां बांटी जा रही हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, उसका एक्ट 1963 कहता है कि पूरे एमपी में, होल एमपी में एग्रीकल्चर की शिक्षा और अनुसंधान पर कंप्लीट रूप से उसका अधिकार है। उसकी बिना परमिशन के या एफिलिएशन के कोई भी डिग्री नहीं दे सकता। फिर